friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. मनुष्य की तीन realities हैं. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है. तो तीनों realities का संतुलित विकास आवश्यक है. भौतिक शिक्षा उच्च कोटि की हो, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, इस सब का ज्ञान बच्चे को बहुत अच्छा हो. प्रिय भाइयों, यहाँ एक देखिए, आप देख रहे तार है. इस तार को हम पावर हाउस से जोड़ दें तब क्या होगा कि देखिए, हमने बटन दबाया तो पंखा चल गया, हमने बटन दबाया तो बल्ब जल गया, बड़ा बल्ब जलाया तो बल्ब. तो यदि पावर हाउस से तार जुड़ता जुड़ जाता है तब रोशनी होती है. इसी प्रकार बालक को जब हम परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से जोड़ देते हैं तो उसके मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश आता है. और जब ईश्वरीय प्रकाश मस्तिष्क में होता है तो बालक एक संतुलित व्यक्तित्व का धनी बनता है, एक महान बालक बनता है. जीवन में ऐसे बालक, उन्हें मालूम है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है. तो ईश्वर के ज्ञान के बिना ये नहीं पता लगता है. तो पहली चीज़ है हमारा जो ये ईश्वर से जुड़ाव है, ये सबसे ज़रूरी है. दूसरे, ईश्वर की ओर से जितने भी शास्त्र आए हैं ये सब क्या हैं? ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम. ये इनमें कोई त्रुटि नहीं है और ये कलेक्टेड विजडम है. इनमें गीता हो, त्रिपिटक हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, भाई किताब, किताब एकदस हो, ये सब किताबें इन अवतारों की लिखी हुई नहीं है. ना तो कृष्ण जी ने गीता लिखी, ना तो बुद्ध जी ने त्रिपिटक लिखी और ना तो यीशु मसीह ने बाइबिल लिखी, ना मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ को लिखा, ना नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा और ना भाई शिक्षाएँ बाहुलाल लिखी. ये सब दिव्य लोक से आई हैं, ये सब एक परमात्मा से आई हैं. ये सब क्या हैं? संदेश वाहक हैं. ये संदेशे हैं एक परमात्मा के. और ये क्या है? अनहरिंग है और कलेक्टेड विजडम है. दो बातें इनके बारे में, इनमें कोई त्रुटि नहीं है. सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाएं और गीता में या त्रिपिटक में या बाइबल में या कुरान में या गुरु ग्रंथ साहब में या किताब एकदस में कोई कोमा फुल स्टॉप लगाना चाहें या घटाना चाहें, कोई शब्द जोड़ना चाहें या घटाना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनहरिंग है, त्रुटि रहित हैं. इसी कैसे उस व्यक्ति की किताबें नहीं हैं जिसका कभी जन्म हुआ हो या जिसकी मृत्यु होती है. ये किताबें तो उसकी हैं जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है. परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसके कोई माता पिता नहीं है, वो तो स्वयं निर्मित है और वो उसका कोई ठौट ठिकाना नहीं. परमात्मा कब से है? जब से सृष्टि है उससे भी पहले परमात्मा है. तो परमात्मा की जो दिव्य वाणी है ये सब हैं, ये अनहरिंग है और कलेक्टेड विजडम है. ये बुद्धिमत्ता की किताबें. आदमी को बुद्धिमान बनना है तो इन शिक्षाओं को जान जाए तो ये बुद्धिमत्ता आ जाएगी उसमें. तो बच्चों को इन किताबों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे हमारे बुद्धिमान बने. बुद्धिमान का एक ही तरीका है बुद्धिमान बनने का, कि ईश्वर का ज्ञान हो जाए. हमारे स्कूल की जो प्रार्थना है उसमें है, आई बियर विटनेस ओ माई गॉड दैट थाउ हैज क्रिएटेड मी फॉर टू थिंग्स, टू नो दी एंड टू वर्शिप दी. मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे दो काम के लिए उत्पन्न किया है. एक तो ये कि मैं तुझे जानूँ और दूसरा तेरी पूजा करूँ. तो परमात्मा को कैसे जाने हम? परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, कि उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, उससे हम मिल नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते. फिर भी हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा को जानना और उसकी पूजा करना. तो ये क्या है? जानने के मानी क्या है?
जानने के मानी है परमात्मा की शिक्षाओं को जानना, जो परमात्मा ने युग युग में अपने दिव्य अवतारों के माध्यम से भेजी हैं। तो ये जो शिक्षाएं आई हैं, इनको जानना ही परमात्मा को जानना है। और पूजा क्या है? इसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं पर चलना ही परमात्मा की पूजा है, और कोई पूजा नहीं। बाकी तो रिचुअल्स हैं, बाकी तो जितने सब रिचुअल्स हैं। देखिए, भगवान ने कृष्ण को आदेश दिया कि अर्जुन को आदेश दिया कि तुम युद्ध करो। वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं राजपाट के लिए इतना बड़ा नरसंहार नहीं करूँगा। तो भगवान ने उसे बहुत समझाया। लोग समझते हैं कि शायद कृष्ण ने समझाया, कृष्ण ने समझाया नहीं, ये भगवान ने। आप गीता को देखें तो गीता कृष्ण की वाणी नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता है। अंदर भी आप देखें तो इसमें भगवानोवाच और अर्जुनोवाच है। भगवान ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा कहा, कृष्णोवाच नहीं है, कृष्ण की वाणी नहीं है, ये किसी अवतार की वाणी नहीं है। तो फिर ये भगवान कृष्ण क्या है? वो पवित्र आत्मा है, और वो बांसुरी बजाते थे, उनकी आत्मा ही पवित्र बांसुरी थी। भगवान गीत गा रहा है, अर्जुन गीत को सुन रहा है, और ये गीत कहाँ से आ रहा है? कृष्ण की पवित्र आत्मा से। तो ये क्या है अवतार सब? ये पवित्र आत्माएं हैं, दिव्य वाणी इनके द्वारा प्रवाहित होती है। तो ये जितनी दिव्य वाणियाँ हैं, ये सब दिव्य लोक से आई हैं, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती। अवतारों का तो जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हो गई। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, नानक, ईसा, बाप, बाहुल्ला, जोरास्टर, मोजिस, अब्राहम, भगवान महावीर, इन सब का जन्म हुआ, सबकी मृत्यु हो गई। तो ये सब, इन सब का परमात्मा एक था। इन सब की आत्मा में एक परमात्मा से आत्म तत्व आया। इन सब की आत्मा में दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है, ये सब एक परमात्मा से आया। जब इनकी मृत्यु हुई तो एक ही परमात्मा में इनकी आत्मा विलीन हो गई। इन सब का परमात्मा एक है। पता नहीं कैसे हमारे परमात्मा सबके अलग हैं। हिंदू कहते हैं हमारे ये परमात्मा है, मुसलमान कहते हैं वो हैं, सिख कहते हैं वो परमात्मा है। ये सब तो हमारे, ये तो सब हमारे गुरु हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो गुरु कौन है और गोविंद कौन है? गोविंद वो जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, हवा में है, पानी में है, एक बालू के कण में भी है। यदि उसको विस्फोट कर दिया जाए तो एटम बम की ताकत है उसमें, तो लोग, कितने लोग मर सकते हैं, इतनी ताकत एक एक अणु में है। वो परमात्मा की शक्ति है। तो ये जो अवतार है क्या है हमारे? ये गुरु है, ये हमें ज्ञान कराते परमात्मा का। इसीलिए कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। तो इनकी बलिहारी, ये गोविंद का ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है। गीता हो, त्रिपिटक हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, किताबें एकदस हो, किताबें अजाव्यता हो, ये परमात्मा का ज्ञान है। और ये कौन ज्ञान करा रहा है? ये हमारे अवतार। तो ये क्या है? हमारे गुरु हैं। अब ये गुरु ऐसे नहीं बन जाते, बहुत तकलीफें इन गुरुओं को मिलती हैं। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कहते हैं कि जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। कृष्ण के तो मामा ने कृष्ण की माँ को, यानी अपनी छोटी बहन को, देवकी को जेल में डाल दिया, और कृष्ण के 7 भाइयों को जैसे बालक पैदा होता वो जेल में छीनता माँ से, और माँ के सामने पत्थर पर पटक कर मार देता था। 7 भाइयों का कत्ल किया कृष्ण के आने के पहले। और कृष्ण पैदा हो गए, वो दिव्य शक्ति से जब बाहर चले गए तो उसमें एक बालक आ गया उनके पास, वो नकली बालक था। और कंस को ये पता लगा कि बालक हुआ है 8वां, उसने उसको भी मरवा दिया। लेकिन बाद में उसे पता लगा कि कृष्ण तो जिंदा है, ये तो कोई नकली बालक था। उसको मारने के लिए पूतना को भेजकर 1000 बच्चों को मरवाया,
और जब उससे भी नहीं मरा तो फिर कृष्ण नहीं मरे तो उनको एक युद्ध में बुलाया गया, हाथियों के साथ, घोड़ों के साथ, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ उस बालक का युद्ध कराया गया और ये बालक सब जगह विजयी हुआ। तो ये कहना मेरा ये है कि बचपन से ही इन्हें तकलीफें झेली जाती हैं। बुद्ध जी एक राजा के बेटे थे सुद्धोधन के, लेकिन जब उन्होंने एक बार शहर को जा रहे थे, एक बुढ़े को देखा वो लकड़ी लेके चल रहा था, तो जो व्यक्ति उनको लेके जा रहा था घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए, उसने पूछा कि क्या हो गया। उनका ये बुढ़ा हो गया, ये सीधा नहीं चल पा रहा है। तो बुद्ध जी ने कहा क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, कोई भी ऐसा हो सकता है, आप भी ऐसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने देखा एक व्यक्ति कोढ़ी जा रहा था, उसके पूरे शरीर में मवाद था, कोढ़ चुचा रहा था। वो जाते देखा उनके ये क्या है, इसको बीमारी है कोढ़ की, क्या ये मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। फिर उन्होंने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे, बोल रहे थे राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो उन्होंने देखा ये क्या है, ये आदमी मर गया है, इसको जलाने के लिए या गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो उनका क्या मृत्यु भी हो जाती है आदमी की, बोले हाँ मेरी भी होगी, किसी की भी हो सकती है। तो बुद्ध अपने घर को छोड़ के निकल गए इस बात की तलाश में कि दुनिया का रहस्य क्या है, मानव का रहस्य क्या है। तब उन्हें पता लगा कि मानव का एक ही रहस्य है, उस परमात्मा को जानना जिसने हमें बनाया है, उसकी शिक्षाओं को जानना और उनकी शिक्षाओं पर चलना। वर्षों वो जंगलों में घूमते रहे और फिर उसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठे, वर्षों बैठे रहे, उनकी खाल जल गई, मांस जल गया, हड्डियों का ढांचा बचा। तब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, वो इस त्रिपिटक में है और इसमें हजारों शिक्षाएं हैं। एक मुख्य शिक्षा है इसमें कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये अनुचित है। सम्यक ज्ञान दिया उन्होंने, कहा कि सब बराबर है, परमात्मा ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया। किसी को अभी ब्राह्मण है बड़े ऊंचे हैं और ये क्षत्रिय उससे नीचे हैं और वैश्य और भी नीचे हैं, शूद्र और भी नीचे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है, परमात्मा ने नहीं बनाई। गीता में, त्रिपिटक में, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में, भाई किताब में, किसी जगह जाति पाति का कोई वर्णन नहीं है। ये मनुष्यों की बनाई है, मनुष्यों की बनाई किताब में और परमात्मा की भेजी किताब में क्या फर्क होता है। ये जो है रिवील्ड बुक्स हैं, ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम। ये अनरिंग है और कलेक्टेड है। अब ये रामायण को आप देखिए, तो रामायण क्या है, तुलसीदास जी ने लिखी, राम के ऊपर लिखी। राम का जन्म कृष्ण के भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ, कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पूर्व हुआ और इनका जन्म राम का 7500 वर्ष पूर्व हुआ। और 7000 और तुलसीदास जी का जन्म 500 वर्ष पूर्व हुआ, तो 7000 वर्षों तक राम की गाथाएं और आज भी चली आई, उनके कहानी किससे। उनका जीवन इतना महान था कि उसकी गाथाएं सुनते सुनते तुलसीदास जी बड़े प्रभावित हुए, आनंदित होने लगे। अब वो गांव-गांव घूमकर राम की कहानियाँ, राम के जीवन के बारे में बताइए, तो वो नोट करती थी और उन्होंने ये सारी कहानियाँ इकट्ठी की और उसके बाद ये रामायण के दोहे और छंद लिख दिए, रामायण तैयार हो गई। तो रामायण तुलसीदास जी की लिखी है। अब इसमें जितनी भी शिक्षाएँ आप देखेंगे तो गीता के अनुकूल हैं, त्रिपिटक और बाइबल और कुरान और गुरु ग्रंथ साहब और किताब ग्रंथ के अनुकूल है। एक शिक्षा इसमें गलत है जो इनसे मेल नहीं खाती और वो है ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गमार हो माने अशिक्षित हो तो उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए। अभी सारे अवतार अशिक्षित थे, उस जमाने में कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो होते ही नहीं थे, तो सभी अशिक्षित थे। तो ढोल गमार तो थे ही, ढोल गमार शूद्र। तो बुद्ध जी ने कहा शूद्र और अशूद्र कोई भी नहीं है संसार में, सब बराबर है। तो शुद्ध का शब्द कहाँ था गया? और पशु तो बड़े काम आता है, गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है,
बकरी दूध देती है, गाय का बछड़ा हमारे खेत जोतता है, तब अनाज पैदा होता है। और नारी नारी न होती तो अवतार कहाँ से आते, नारी न होती तो सृष्टि कहाँ से होती, कोई भी संसार में का जन्म ही नहीं होता किसी। We raise the banner of our school and see it flying high. We raise together all our voices till they reach the sky. CMS is the place to be. CMS is for you. Fill the sky, and its name endure forever and aye. May its founders' ideals inspire to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair that we do and dare. At home, at school, at play, in actions of the day. A temple of learning, where knowledge and wisdom rules, where we become the changes we dream of, our most beloved school. Our lessons are of peace and love, our is of spirituality. Our greetings for all is Jagdish. Our vision is of world unity. Unique in the annals of education, our founder is a one of a kind. We are the light of the world, and CMS, the hope of mankind. May CMS fragrance fill the sky, and its name endure forever and aye. May its founders' ideals inspire to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair in all that we do and dare. At home, at school, at play, in actions of the day. At school, at play, in
Since City Montessori School began 60 years ago, the singular desire of its founders, Drs. Jagdish and Paradi Gandhi, has been the joy of service. In June 1959, CMS was established with a vision to nurture thoughtful and proactive world citizens and leaders committed to the service of humanity. CMS achieves this by maximizing opportunities for children. City Montessori School's Computer, Films and Radio Division once again brings to you the annual celebration of childhood by hosting the largest and most unique gala event organized by any school in the world, the 11th edition of the CMS International Children's Film Festival, CMS ICFF 2019. On the opening day of the 9 days festival, the chief guest, Mr. Brijesh Pathak, Minister of Law and Justice, Additional Energy Resources and Political Pension, Government of Uttar Pradesh, was received by CMS founder and chairman of CMS ICFF, Dr. Jagdish Gandhi, and the festival director, Mr. V. Kurian. Our celebrity guest, noted actor from Indian films and television industry, popularly known as Bollywood, Mr. Boman Irani. Budding teen star of television, Miss Roshni Walia. City's own child actor, Master Arav Shukla. And the crew and cast of the CMS ICFF opening film, I Am Bunny's premiere screening. My dear children, the day will begin with many things over and above films. We'll be seeing lot many things happening in your today's classroom, this stage. Thank you. Dr. Jagdish Gandhi welcomed all his guests and introduced the chief guest. Mr. Vidhai, Nyay, Kanun, Atrit Urja Shot, Rajnitik Pension, or हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय बहुत ही महान हस्तियां हैं हमारे फिल्म जगत की ये बोमान ईरानी जैसे एक्टर फिल्म एक्टर जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में जिनकी ख्याति है रोशनी वालिया ये हमारे बीच में उपस्थित हैं गौरव गर्ग जी ये बड़े बड़े एक्टर्स हैं इस फिल्म फेस्टिवल में 10 लाख रुपए के इनाम बटेंगे उन फिल्मों पर जो फिल्में बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं बच्चों को प्रेरणादायी हैं उत्साहवर्धक हैं जीवन में आगे बढ़ने की हौसला देने वाली हैं उनके उनको आगे बढ़ाने में सहायक हैं उन फिल्मों पर 10 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे तो उसके लिए जूरी है क्योंकि 101 देशों की फिल्में आई हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है संसार का और इसमें करीब 1 लाख बच्चे 9 दिन में देखेंगे 200 रोजाना होंगे एक सवेरे 9 बजे और एक अपराह्न में 12 बजे और इसमें इस हॉल में इसके अलावा नीचे और 7 हॉल हैं उनमें नीचे ऊपर मिला के तो 7 हॉल और ये 8 में ये होगा रोजाना और इसमें 10-12 हज़ार बच्चे रोजाना इसे देखेंगे ये पूर्णतया निःशुल्क है मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि इसमें कोई टिकट नहीं है और सभी बच्चों को लाने के लिए उनके स्कूलों से और उनके स्कूलों तक ले जाने के लिए बसों की भी व्यवस्था हमारी ओर से है तो बसें भी किराए पर नहीं लेनी उनको उसका भी हम लोग कर रहे हैं Festival director Mr. V. Kurian hoped through the wide selection of 1,655 film entries received from 101 countries this year would help us in our resolve to educate children to become discerning viewers in their choice of entertainment. I welcome our chief guest, Honorable Sri Brijesh Pathak ji. Minister for Law and Justice, Additional Energy, Resource and
political pension government of Uttar Pradesh. Students of CMS Gomtinagar Campus 1 presented the All Religions Prayer and the World Unity Prayer.